तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपका भाई एकदम शानदार ज़बरदस्त जंप लश्पश अलहमदिल्ला। कहाँ जा रहे हैं हम? दूर दूर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दूर, पार्क में जा रहे हैं। इसलिए भाई साहब ने कोट वगैरह पहन लिया, तो अभी चलते हैं, बच्चे आ रहे हैं बाकी, और इंजॉय करते हैं। चलें चलो जी, सीधा शुरू करते हैं व्लॉग। बड़े दिनों के बाद आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ठोक दो यार। है क्या हुआ? हुआ। हाँ जी, आप भी रेडी है? चलो, क्या नजर नहीं आ रहा, क्या देखना है? ये देखो जी, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं शेर। नहीं शेर नहीं है, शेर नहीं है, नहीं गुस्सा दांत दिखा रही है भाई। एक ये है, एक वो बैठी शेर। नहीं रुको, अच्छे दिखाऊँ मैं, ऐसे दिखाता हूँ। ये शेर नहीं है, शेर है। हाँ ये शेर है, ये शेर ही नहीं है। रुको जरा, एक कहाँ गई है रही। हाँ ये शेर है, वो शेर। क्या दिखाऊं आपको? नहीं देखा, चलो आपको दिखाती हूँ। हाँ ये उतार दो, उतार दो। चलो जी, अब यहाँ पर ये सारी सीटिंग है, और ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। चलो, ओहो यहाँ पर ये चीज़ें सुबह हो रही है। टर्किश पर ये मकाओ है, मकाओ। हाँ जी ये मकाओ बर्ड है। हाथ उंगली नहीं करना, फिंगर नहीं करना बिल्कुल भी, काटी करेंगे। ये कुकू, अच्छा ये वाइट वाला, और ये नॉर्मल वाला। मिठू मिठू, हाँ जी चलो चलो। रैबिट रैबिट, हाँ जी चिक्स भी हैं। हाँ जी आ जाओ, वहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है? उधर बैठना है क्या? चलो जी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आराम से। चलो जी, यहाँ पर इनका झूले झूले इंजॉय भी करें, और इस तरफ भी डाइनिंग है भाई, मज़े। आ जाओ, नोलियन बाबा छो रहा है, हमारा ओरियन बाबा छो रहा है, ये भी छोटा अच्छा है, छो रहा है अभी। मुझे झूले पे बैठना। अच्छा चलो चलो, कैसे बैठना? कौन से झूले पे बैठना? अच्छा चलो चलो चलो, कौन से झूले पे? इस पे। अच्छा ठीक है, चलो बैठो बैठो। हाँ जी, किस पे बैठना है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कोई सिलेक्ट ही नहीं हो रहा आपसे। अच्छा चलाना ही है। हाँ जी 71 की टिकट। ओके हो गया, झोला भी आ गया, और यहाँ से ये भी चल गया। बाय बाय। लो जी ये भी आ गए, और बच्चे अभी इधर ऊपर खेल रहे हैं। चलें जी, वहाँ से हो गया, अब यहाँ शुरू हो गई। जी इनको भी झूला मिल ही गया, मम्मा की गोदी में झूला झूलो आप। झूला खेल रही है, देख रही है ऊपर। चले जी अब इनकी बारी है, ये यहाँ पर बैठ गए हैं, और हम लोग यहाँ पे हैं इधर। अच्छे चलो, हम इधर चलो, खाना आ गया, चले उरेन बाबा चलो, हम चलते हैं, खाना आ गया हमारा। लाहिर रहमान रहीम। चलो जी, खाना आ गया हमारे पास, कबाब है, और यहाँ पर हमारे पास है बेहतरीन सा खड्डा सच। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना खाते हैं।
और ज़रा माहौल जो है कुछ इस तरह से, आह कैंडल लाइट डिनर, ओए हो। चलो बच्चे बस आ ही रहे हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना डन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह भी खा लिया, खाना खाने के बाद चाय भी पी ली। अभी हम जो हैं यहाँ पर ज़रा चिलम चिल्ली कर रहे हैं ऐसे, ये हाँ बैठे हुए हैं, ज़रा झूला झूल रहे हैं। और अब टाइम होता है रिव्यू का कि कैसा लगा खाना और क्या सीन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्तान आने से पहले ही ना यहाँ का हमने बहुत ही सुना हुआ था कि भाई खड़ा सजी खड़ा सजी खड़ा सजी खड़ा सजी। हालाँकि इसके बाद हम वो एचएन फूड पे हाँ हम वहाँ चले गए थे, पहले दो बार गए हैं वहाँ पर, ज़बरदस्त। अब हाँ जी उनकी बहुत अच्छी थी। हाँ अब बात करें इनकी अगर तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू देखो, ओवरऑल व्यू की बात करें बैठने के लिहाज से हर चीज़ के इसके लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त है। बट जहाँ पर बात होती है फूड की, हमने ऑर्डर किया था खड्डा सजी और साथ में जो है ना चिकन चीज़ कबाब, हाँ चीज़ कबाब था ऐसे ही। चीज़ कबाब में चीज़ नहीं था, नमक था। खड्डा सजी में खड्डा था, सजी पता नहीं कहाँ थी। लेकिन ओवरऑल ये है कि यार मतलब मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। चावल मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे ना वो पुराने हों, ऐसे ऐसे अजीब सा टेस्ट कर रहे थे। और कबाब थे उसमें भी ज़रा नमक तेज़ था, वो भी मतलब समझ ही नहीं आ रहे थे। ओवरऑल चाय पी हमने बाद में, हाँ चाय खैर अच्छी थी, लेकिन अगर बात करें फूड के लिहाज से तो इतना कोई ख़ास तो मुझे समझ नहीं आया। अभी हमने इनके दो आइटम ही ऑर्डर किए थे, खड्डा सजी और कबाब वगैरह, जो कि हमें समझ नहीं आए। बाकी पता नहीं इनका ओवरऑल क्या ज़्यादा चलता और क्या नहीं चलता, पर हमें तो समझ नहीं आया। खैर फिलहाल इनको भी पसंद नहीं आया, हम आए थे लाइफ लाइन क्योंकि ये हमें हमेशा कह रही थी कि यार खड्डा सजी ये वो, इनकी ही हमेशा वो ठीक है। बिल्ले के डेरे पे आना भाई, बिल्ले के डेरा तो हाँ व्यू अच्छा है, बाकी बच्चों के लिए पार्क वगैरह मतलब ओवरऑल सब हो जाता है। आप खाना भी खा लेते हो, बच्चे इन्जॉयमेंट भी कर लेते हैं, अच्छा है। बट जहाँ पर बात आती है फूड की तो यार वो बिल्कुल भी ना मज़ा नहीं आया, बदमजगी सी हो गई है उसकी वजह से, फूड की वजह से वो अच्छा नहीं है। वैसे मैंने भी काफ़ी रिव्यू सुने यहाँ के वहाँ के, जी ये जी वो जी बलान ढिमकान जी बहुत आला, ये हो गया वो हो गया। शायद पहले अच्छा होता हो, अब नाम हो गया है बहुत बड़ा हो गया है, तो शायद इस वजह से अब फूड की मतलब वो क्वालिटी ना रही हो। बहरहाल डिसअपॉइंट हुए हैं, इतना मतलब सफ़र भी किया है, आए हैं मैक्सिमम हमने कोई 40 मिनट्स का सफ़र करके आए हैं मुल्तान से इधर, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है फूड की वजह से। ओवरऑल तो बाकी एम्बियंस और ये सब अच्छा ही है, बाकी फूड की वजह से मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इतना दूर आओ, इतना कोई दिल में वो ले के आओ कि जी ये वो ना, इससे अच्छा एचएन फूड चला जाए या और कोई घर में बना के खा लो या और कुछ कर लो भाई। इतना दूर आने के लिए हाँ एम्बियंस के लिए बैठने के लिए आना तो आओ, वरना फूड के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप रिकमेंड करूँगा कि आप इतना दूर आओ यहाँ पर खाना खाने, बाकी तो सब ओके है। तो बस अभी चलते हैं घर, सब खाना पीना सब हो गया तो चलो फिर। फुटबॉल भी नहीं, उससे देखो एचएन फूड जो है ना उससे थोड़ा ये सस्ता है, बट यार क्वालिटी भी तो नहीं है ना। मतलब एचएन फूड की हम खा ली अगर वही ऑर्डर करते हैं खड़ा सब्जी तो वो 5000 की हो जाती है। यहाँ हमने ये ऑर्डर किया और कबाब वगैरह भी लिए साथ में, तो ये मैक्सिमम बिल बन गया 5000 और कुछ, मतलब 6000 से थोड़ा बहुत नीचे। लेकिन मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया ना, बात ये है। तो खैर मिलते हैं फिर कभी किसी और दिन किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय हैं, अल्लाह हाफिज़। चलो जी ये रहा बिल्ले का डेरा जहाँ पर हम आए थे और ये कुछ नाइट व्यू है। बट यार बिल्ला भाई वेरी डिसअपॉइंटेड, सही में कह रहा बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं।